हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजार आईएस में। और आप सब जानते हैं हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही थी, जिसमें सबसे पहले हमने डब्ल्यूटीओ को कंप्लीट किया। उसके 5 लेक्चर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। और याद रखिए, डब्ल्यूटीओ इज अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एवरी मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैंने बोला एवरी मेंस, मतलब इसलिए जस्ट बिकॉज के अभी वर्ल्ड दैट मीन्स ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, इसके बाद WTO की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज के, इसलिए मैंने बोला कि हर मेंस में इसका क्वेश्चन, मतलब किसी ना किसी आप GS3 में भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में GS1 GS2 में भी IR के संदर्भ में उसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि हर मेंस में शायद तक GS2 या GS3 में वो लोग किसी ना किसी तरीके से पूछ ले, ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स में आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, हेडक्वार्टर एंड ऑल दीज थिंग्स पे स्टेटमेंट करके, तो इसलिए भी वो WTO बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO वाला लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशन बचती है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से, पहली आती है हमारी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फिर दूसरी आती है IMF। फाइन, अब देखो मैंने सोचा था कि IMF और वर्ल्ड बैंक को एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि 45 से 50 मिनट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि कोई देखना प्रेफर नहीं करेगा इतनी बड़ी वीडियो। तो फाइन, आई हैव डिसाइडेड कि एक वीडियो में पढ़ाऊंगा वर्ल्ड बैंक, वो अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट के आसपास की वीडियो होगी जिसमें वर्ल्ड बैंक पढ़ाऊंगा, और फिर दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा IMF, वो अप्रॉक्सिमेटली 15 मिनट की वीडियो, 15 नॉट मोर देन 15 मिनट, ठीक है। तो किस तरीके से हम वर्ल्ड बैंक और IMF को कंप्लीट करने वाले हैं। और एक और चीज, आपने पिछले कुछ वीडियोस में नोटिस किया होगा कि मैं थोड़ा तेज बोलने लगा हूँ, मतलब शुरू की जो वीडियोस थी, मतलब जो शुरू के 5-6 चैप्टर थे उसमें बड़ा स्लो बोलता था, लेकिन अब काफी तेज बोलने लगा हूँ। उसका रीजन ये है जस्ट बिकॉज कि शुरू के 5-6 चैप्टर में मुझे एक्सप्लेन करना था चीजों को, लेकिन अभी जो चैप्टर आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक IMF ये सब ना सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना रहता। अगर मैं धीरे धीरे एक फैक्ट को पढ़ने लगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, और मैं तेज बोलूंगा ना तो आपको, मतलब आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ यार फोकस करो, बंदा बहुत तेज बोल रहा है, बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू दैट मीन्स कोप अप विद दैट, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स व्हाट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक सीरीज। सबसे पहले हम ब्रिटेन नोट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसी में IMF और वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई थी। इसके बाद क्यों वर्ल्ड बैंक को बनाया गया, डिफरेंसेस क्या थे वर्ल्ड बैंक और डिफरेंसेस क्या है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। आपने वर्ल्ड बैंक का भी नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी नाम सुना होगा, लेकिन बोथ आर डिफरेंट, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक में कौन कौन सी बॉडीज हैं, ये सब इंपॉर्टेंट बॉडीज है जिनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। फाइनली एट द एंड IMF के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद IMF से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रिटनवुड अग्रीमेंट। अभी ब्रिटनवुड अग्रीमेंट क्या होता है, देखो ब्रिटन वुड अग्रीमेंट सबसे पहली बात, इसे कहा क्यों जाता है। एक तो आप समझ सकते हैं कि ये अग्रीमेंट है, ठीक है। अब इसे ब्रिटन वुड अग्रीमेंट क्यों कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये जो अग्रीमेंट हुआ था वो ब्रिटन वुड में हुआ था। USA में न्यू हैम्पशायर नाम की एक सिटी है, ठीक है, स्टेट है, वहां पर ये अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अब जब ये अग्रीमेंट हुआ था तो यहाँ पर टू बॉडीज निकल के आती है, जिस टू बॉडीज कौन कौन से निकल के आती है, एक आती है वर्ल्ड बैंक और दूसरी निकल के आती है IMF। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को हम एक चीज और बोलते हैं, आपने सुना होगा दोनों कंपनी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF दीज आर ब्रिटनवुड ट्विंस। मतलब कि समझ रहे, ट्विंस का मतलब समझ रहे ना कि दोनों के दोनों ब्रिटनवुड से निकले हैं, इसलिए इन्हें मतलब ब्रिटनवुड ट्विंस भी बोला जाता है। फाइन, इसके बाद जो ब्रिटनवुड अग्रीमेंट है वो 1944 में 44 कंट्रीज के साथ, दैट मीन्स 44 कंट्रीज ने साइन किया था, और फाइनली ये एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब ब्रिटन वुड अग्रीमेंट इम्पैक्ट में आया था 1945 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसी साल से IMF और हमारा वर्ल्ड बैंक काम करना चालू कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने काम करना चालू किया 1946 में, और हमारे IMF ने काम करना चालू किया 1947 में। भी मैं आपको बताऊंगा दोनों का पर्पस क्या है, दोनों के अलग अलग पर्पस है, दैट आई विल डिस्कस, डोंट वरी। लेकिन इन दोनों को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब एकदम से 1945 में ही क्यों बनाया गया, 1980s में क्यों नहीं बनाया गया, या फिर उससे पहले क्यों नहीं बनाया गया, व्हाट वर द रीजंस फॉर इट। देखो रीजन सिंपल था, उस टाइम का सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। आपने देखा कि ब्रिटेन एक तरीके से जो अपनी सुपर पावर का स्टेटस था वो खो चुका था, फ्रांस सुपर पावर नहीं रहा था, और पूरा यूरोप था वो एक तरीके से टूट गया था, मतलब पूरा वॉर के उसमें टूट गया था, ठीक है। तो अब देखो, अब अमेरिका को आया था, अमेरिका को तो मार्केट चाहिए था, ठीक है, अमेरिका के पास बहुत सारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बना हुआ यहाँ पर रखा हुआ था। अब अमेरिका को यहाँ पर चाहिए था मार्केट। अब मार्केट उस टाइम पे इंडिया और ये सब कंट्रीज बन नहीं सकती थी, बिकॉज वहां पर लोगों के पास ना ही कोई टेस्ट था ब्रिटिश चीजों का, मतलब अमेरिकन चीजों का, चेंज मतलब समझ रहा हूँ, मतलब मास के पास नहीं था, जो अर्बन सेक्शन था वहां पर तो था, लेकिन मास
मतलब दैट मीन्स, लेकिन यूरोप में वहां पर टेस्ट भी बहुत अच्छा था और यूरोप की जो मतलब परचेजिंग पावर भी बहुत अच्छी थी, और उस टाइम पे इंडिया जैसी कंट्रीज की परचेजिंग पावर अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट क्या था अमेरिका के लिए, वो सबसे बड़ा मार्केट था यूरोप। इसलिए अमेरिका ने डिसाइड किया कि आई विल रिकंस्ट्रक्ट यूरोप, मतलब हम दोबारा यूरोप को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि यूरोप हमारा जो सामान है वो खरीदने को दैट मीन्स दोबारा लायक हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप लायक ही नहीं रहा था कि वो अमेरिकन सामान खरीदे, अमेरिकन गुड्स खरीदे। इसलिए अमेरिकन ने डिसाइड किया कि वी विल रिकंस्ट्रक्ट यूरोप अगेन, उसी के लिए ये वर्ल्ड बैंक और IMF की कंस्ट्रक्शन की गई थी। समझ गए, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका ने सोचा कि नहीं दोबारा वर्ल्ड बनाया जाए, हमें वर्ल्ड अच्छा चाहिए एंड ऑल दीस थिंग्स, ये सब फेक है, बकवास के कॉन्सेप्ट है। सिंपल बात ये थी कि उसे मार्केट चाहिए, अगर इतना ही अगर अमेरिका को था तो उसने आज तक दैट मीन्स अफ्रीकन कंट्री को क्यों नहीं डेवलप किया, इंडिया को अभी भी पैसे देने को क्यों मना करता है, क्यों जो हम जो पैरिस अग्रीमेंट से पीछे हो गया, दैट मीन्स जगह जगह क्यों जाके सिविल वॉर करवा देता है, इराक में क्यों घुसा हुआ, बाहर क्यों नहीं आता, अफगानिस्तान में क्यों अटैक करवा दिया, मतलब टेररिज्म का नाम लेके अपने अपने मतलब बड़े बड़े ह्यूमन राइट की दैट मीन्स तंबू दिखा के कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, सो जस्ट Try to remember the real objective of US. It is just market. मतलब उसे market चाहिए था, वो Europe था, इसलिए उसने Europe को reconstruct किया. Fine. इसके बाद World Bank और IMF में दोनों में जिन कुछ common चीजें हैं वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलवा देना चाहता हूँ, हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का और हमारे IMF का, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि वर्ल्ड बैंक करता क्या है और ये हमारा जो IMF करता क्या है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा कि IMF क्या करता है। फाइन, तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी हुई है कि दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी बंदा अगर IMF का मेंबर बनता है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन ही जाता है, मतलब ये कन्वेंशन है, जो भी IMF का मेंबर बनेगा वो ऑटोमेटिकली बाय कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर बन जाएगा, वर्ल्ड बैंक का। फाइन, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे अगले वाले लेक्चर में IMF वाले में कि क्यों बंदे मतलब लोग कंट्रीज परस्यू करती है कि IMF का मेंबर बने, क्या उनसे उन्हें फायदा होता है IMF का। ठीक है, तो ये भी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि अभी तक दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक और IMF मतलब टोटल IMF में कितनी कंट्रीज है, मतलब दोनों बॉडीज मिला के 189 कंट्रीज है। ठीक है, जो IMF में कंट्रीज बन मेंबर बन ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक बन जाएगी, दोनों में कितनी कंट्रीज हुई, दोनों में 189 कंट्रीज है। टोटल वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है, 191, लोग 192 भी बोलते हैं लेकिन 192 वाली डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो अभी तक उसका 192 वाले का जो सॉवरेन स्टेटस है वो फिक्स नहीं हुआ है। फाइन, और हो सकता है ये नंबर चेंज हो गया हो। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे आपके सामने वीडियो आया, तो अगर ये चेंज हो गया तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। फाइन, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक में कि दैट मीन्स प्रेसिडेंट और ये सब MD क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में जो सबसे हेड वाली पोस्ट रहती है, ठीक है, जो हेड जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडिया का हेड कौन है, ही इज प्रेसिडेंट, इन द सेम वे वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक के हेड को प्रेसिडेंट कहा जाता है, लेकिन IMF के हेड को मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है, याद रखना, दोनों तो डिफरेंस है, किसी PSC में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और अलग से बॉडी होती है IDA, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर वो इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए उसका जो चेयरमैन है उसका नाम रहता है डायरेक्टर जनरल, याद रखना। और एक और यहाँ पर एक कन्वेंशन की चीजें हैं कि वर्ल्ड बैंक का हमेशा कोई भी जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो US का सिटीजन होना चाहिए, वो फिक्स है। ठीक है, अगर आप US के सिटीजन नहीं हो तो आप वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन जो IMF का जो MD बनता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, ही शुड बी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, दैट मीन्स वो यूरोप का, दैट मीन्स ही शुड बी फ्रॉम यूरोप। ठीक है, ये कन्वेंशन है, कुछ भी हो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब फाइनली हम मूव करते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक की बॉडीज क्या क्या है। देखो, वर्ल्ड बैंक का अब तो समझते हैं कि शुरू शुरू में नाम क्या आपको लगता है, वर्ल्ड बैंक ही रहा होगा, नो इट वॉज नॉट लाइक दैट। ठीक है, जब फॉर्मेशन हुई थी ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट में, तो वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिशियल नाम था, इनिशियल नाम था, उसका नाम था IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, और उसे हम दैट मीन्स पॉपुलर नेम उसका था वर्ल्ड बैंक, मतलब हमें पॉपुलरली दुनिया में लोग उसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते थे। अब उसे वर्ल्ड बैंक क्यों बोलते थे, आप यहाँ के नाम से समझ जाइए, इंटरनेशनल बैंक मतलब जो जहां पर भी यूरोप में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, मतलब ये था पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, लेकिन लोन सिर्फ यूरोप को मिलता था, बाकी कंट्रीज को लोन क्यों मिलेगा, अमेरिका का वहां क्या फायदा, इसलिए बाकी कंट्रीज को लोन नहीं मिलेगा। तो क्या था कि इसलिए आप देखो, ये इसका काम क्या था कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ इसके लिए लोन देना और आप लोग डिस्ट्रक्शन से बाहर आ सके, इसलिए क्या कर रहा था, बैंक का काम क्या होता है, लोन देना, और ये इंटरनेशनल लेवल पे दे रहा है, इसलिए इसको पॉपुलरी नाम से क्या बोले जाने लगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक, मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है। ठीक है, और इसका पर्पस मैं आपको बता चुका हूं, आप समझ गए कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या था। वर्ल्ड बैंक का काम ये था, जो भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ है
उन कंट्रीज को लोन देना जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिससे कि वो लोग लोन से दोबारा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितनी भी चीजें उनको डेवलप कर सके और दोबारा आगे बढ़ सके, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा वर्ल्ड बैंक का पर्पस था। लेकिन फिर आप सब जानते हैं 1996 पूरा जो हमारा वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड था, या कहा जाए तो यूरोप रिकंस्ट्रक्ट हो गया था, ठीक है। यूरोप रिकंस्ट्रक्ट हो गया, अमेरिका काम हो गया, बाकी अमेरिका को कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। अगर ऐसे ही रहता तो अमेरिका अभी तक लोन प्रोवाइड करता बाकी कंट्रीज को भी, दैट मींस अफ्रीका को बहुत डेवलप कर चुका होता, फाइन। तो फाइनली वर्ल्ड बैंक का क्या हुआ, अब जब इसका आईबीआरडी का काम हो गया, अकॉर्डिंग टू अमेरिका आईबीआरडी का काम हो गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आईबीआरडी का अब नाम चेंज कर दिया जाए और इसे नाम रख दिया जाए वर्ल्ड बैंक। फाइनली फिर आईबीआरडी का नाम चेंज करके ऑफिशियली इस बार वर्ल्ड बैंक रख दिया गया, जो पॉपुलर नाम था उसको रख दिया गया। और जो आईबीआरडी था इसका मतलब ऐसा मतलब नहीं आईबीआरडी को बंद कर दिया गया, ठीक है। आईबीआरडी को एक वर्ल्ड बैंक मान लीजिए, वर्ल्ड बैंक है ये, वर्ल्ड बैंक बना दिया गया, और आईबीआरडी को एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, ठीक है। इसी के अंदर आईबीआरडी को छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। अब जैसे मान लीजिए अफ्रीका जैसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड, दैट मींस वर्ल्ड वॉर टू का, तो उनको लोन देता रहेगा, उसके लिए बना दिया गया, नाम के लिए हमें दे दिया लेकिन कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसके अंदर आईबीआरडी बना दी गई। इसके बाद 1960 में एक इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन भी बनाया जाता है। अब ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, क्यों आता है, इसका क्या पर्पस है, वो आगे हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आईडीए का फॉर्मेशन होता है, और आईडीए को भी कहां डाल दिया गया, हमारे इस वर्ल्ड बैंक के बड़े से ग्रुप में। और अब जब आप बोलेंगे आईबीआरडी प्लस आईडीए, जब दोनों मिलते हैं उसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, क्योंकि आईबीआरडी भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, आपने देखा कि जहां वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ है, और आईडीए भी लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन दोनों लोन प्रोवाइडिंग बॉडी को बड़े से वर्ल्ड बैंक के ये खंभे में डाल दिया गया, और इन दोनों को जब मिला देते हैं उसके बाद ही हम उसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इससे अलग है, अगर इन दोनों को मिलाओ क्या बोलेंगे इसे, वर्ल्ड बैंक। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज टोटली डिफरेंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का काम भी अलग है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का काम है सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड करना। लोन प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ दो ही बॉडी है वर्ल्ड बैंक के पास, एक है आईबीआरडी और दूसरी कौन सी है, आईडीए, ठीक है, याद रखना। अब हम मूव करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कैसे अलग है ये हमारे वर्ल्ड बैंक से, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए चार ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाती है, ठीक है। 1956 में एक बनाई गई थी, दैट मींस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर बनाई गई आईसीएसआईडी 1966 में, और फिर 1988 में बनाई गई मीगा, ठीक है। इन तीनों जब ऑर्गेनाइजेशन को आप जोड़ देते हो तो इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखो अगर हम वर्ल्ड बैंक को अच्छे से एनालाइज करें, ठीक है, अगर हम कोई वर्ल्ड मान लो ये वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंदर वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना। तो दो ऑर्गेनाइजेशन लोन प्रोवाइड करवाने के लिए, कौन कौन सी, एक हो गई हमारी आईडीए और दूसरी हो गई हमारी आईबीआरडी, ठीक है। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप लोन प्रोवाइड करती है, पैसा कहां से आएगा, ये भी सोचने की बात है ना। तो सोचने के लिए वर्ल्ड बैंक से बाहर, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके अंदर चार ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सॉरी तीन ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, एक दो तीन, ये तीनों के नाम लिखे हुए हैं। इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि ये जगह जगह क्या करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, और से जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ये वर्ल्ड बैंक को देते हैं, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। तो इस कुछ तरीके से वर्ल्ड बैंक काम करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या काम है, इन बाहर दैट मीन्स बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट कमाना, चीजें बेचना, इन्वेस्टमेंट लाना कहीं कहीं से, ठीक है। इन सब पे उसे प्रॉफिट मिलता है, दलाली मिलती है, और दलाली का पैसा कहाँ जाता है, ये यहाँ पर लोन देने के लिए जाता है, और इस तरीके से लोन दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो आप समझ गए वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना। तो मतलब आपने वहां पर देखा, वहां पर जैसे वर्ल्ड बैंक में लोन देना काम था वर्ल्ड बैंक का, तो दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो सिर्फ लोन दिया करती थी, उसी के लिए जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है इनका काम है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या काम हुआ, इन्वेस्टमेंट करना, मतलब इन्वेस्टमेंट विंग है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब हम मूव करते हैं, अब एक एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, पांचों ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आईबीआरडी, आईडीए और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने आती है आईबीआरडी। देखो आईबीआरडी का क्या काम है, आईबीआरडी का काम है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना, ठीक है। आप समझते हैं जब वर्ल्ड वॉर टू का डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो आईबीआरडी है दो साल के लिए लोन देगी और दो साल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे। अब दोबारा जो ब्रिजेस बनाने हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें टूटी हैं, उसके लिए अप्रॉक्सिमेटली 15-20 साल लगेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आईबीआरडी का क्या काम है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना। लेकिन जो आईबीआरडी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसको लोन दिया करता था, वो सिर्फ लोन दिया करता था ऐसी कंट्रीज को जिनकी औकात है कि लोन वापस कर दे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी जो यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी,
ठीक है, सिर्फ उन्हीं कंट्री को लोन देता है जो लोग मतलब इसको अच्छा इंटरेस्ट रेट भी दिया, ऐसा नहीं कि मतलब गरीब जैसी अपन इंडिया जैसी चाइना जैसी उस टाइम की जो कंट्रीज थी गरीब थी उस टाइम पे, तो उन सबको लोन नहीं दिया करते, सिर्फ बड़ी बड़ी कंट्रीज को लोन दिया करता था। इसलिए वर्ल्ड बैंक सिर्फ किसका रिकंस्ट्रक्शन कर पाया, हमारे यूरोप का, बिकॉज उसको अलाउड था सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंट्री को लोन देना। अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंट्री को ही लोन देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ बड़ी कंट्री को लोन देता है। अब जब देखो आईबीआरडी ने बड़ी बड़ी कंट्री को लोन दिया तो उससे अब बहुत सारा पैसा आया, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा आने लगा, बिकॉज इनसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेगा। तो और ऊपर से क्या था कि इसकी क्रेडिट मतलब जो क्रेडिट रेटिंग जो रेटिंग थी, आप सब जानते ना क्रेडिट रेटिंग, मैंने आपको याद है बताया था, दैट मींस इन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट चैप्टर में वहां पर मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग बताया था। तो उस टाइम पे इसकी जो क्रेडिट रेटिंग थी आईबीआरडी की वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसे ना चीप लोन भी मिल जाया करते थे, मतलब लो इंटरेस्ट पे लोन भी मिल जाया करते थे, जिससे कि उसके पास बहुत बड़ा फंड डेवलप हो गया, ठीक है, लोन से। और ऊपर से जो लोन ये दिया करता था उसमें इंटरेस्ट ज्यादा वसूला करता था, जस्ट लाइक आरबीआई, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पैसा इसके पास अप्रोक्सीमेटली 14 मिलियन डॉलर का कॉर्पस जमा हो गया, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, 1960s के आसपास 14 मिलियन का पैसा जमा होना बड़ी बात थी। तो उससे क्या किया, अब आईबीआरडी तो सिर्फ बड़े लोगों को लोन दे रहा था, तो अब फाइनली वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि हम एक और ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर जो छोटे लोगों को लोन देगा, मतलब इंडिया जैसी कंट्री को लोन देना चालू करेगा। तो ये 14 मिलियन डॉलर से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम था आईडीए, समझ गए कि आईबीआरडी जब मतलब बड़े बड़े लोगों का पेट भर गया, उसमें से जो भीख मिली उससे आईडीए बनाया गया कि छोटी मोटी गरीब कंट्री को भी थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए, ठीक है। तो आईडीए काम का है, आइडिया काम है कि जो छोटे मोटे गरीब नेशन है हमारे इंडिया जैसे, उन सबको लोन देना लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मतलब 15-20 साल के लिए लोन देना, ठीक है। ये काम था किसका, आइडिया का, सेम पर्पस वही है, डेवलपमेंटल पर्पस, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एजुकेशन डेवलप करना, हेल्थ डेवलप करना, इन सब के लिए आइडिया हमारी गरीब कंट्री को लोन देने लगा। और जो आइडिया है वो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत छोटे रेट पे लेता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अभी जो आइडिया को मतलब आइडिया ने सबसे ज्यादा लोन अभी तक किसको दिया है, बांग्लादेश को नंबर वन पे और दूसरे नंबर पे इंडिया है। आई नो आपको जानकर शॉक लगा, लेकिन इंडिया को उस टाइम पे बड़ा लोन मिलता था आईडीए से जब से फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और बांग्लादेश को भी अभी भी बहुत ज्यादा लोन मिल रहा है, बांग्लादेश तो अभी भी पुअर है थोड़ी, ठीक है। इसके बाद हमने वर्ल्ड बैंक की जो दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी आईडीए और आईबीआरडी जो लोन देती है उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऊपर जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है कि कैसे मतलब पैसे निकाले जा सकते हैं, फाइन। तो अब आईएफसी का क्या काम है, आईएफसी क्या है, मैंने आपको बता चुका हूं कि आईएफसी इन्वेस्टमेंट विंग है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ठीक है। मतलब क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट इनकरेज करती है। मतलब देखो, अब मैंने आपको बताया कि 189 मेंबर्स हैं हमारे किसमें, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों में, ठीक है। तो अब क्या करती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उस कंट्री, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया से किसको बोलेगी, मुकेश अंबानी साहब को, फिर हमारे अमेरिका से बोलेगी किसको, बिल गेट्स साहब को, उनको सबको बोलेगी कि भैया आप लोग एक दूसरी कंट्री में क्या करो कि इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। इन सबको बोले कि इन्वेस्टमेंट करो आप लोग, और जो इन्वेस्टमेंट करवाएगी ये आईएफसी करवा रही है तो उसकी जो दलाली मिलेगी, ठीक है, तो उस दलाली का जो पैसा बचता है, जो दलाली का मतलब प्रॉफिट रहता है, कि प्रॉफिट शेयर रहता है। फॉर एग्जांपल कि मुकेश अंबानी को बोले कि आप अमेरिका में स्पेंड करो, ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करो, आपको वहां 10 करोड़ का फायदा होगा, तो बोल आईएफसी बोले कि भैया इसमें से 2 करोड़ का प्रॉफिट मेरा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आईएफसी पैसे लेती है, और जितने भी इन्वेस्टर हैं बड़ी बड़े जो भी इन्वेस्टर है कंट्रीज में, उनको इनकरेज करती है कि भैया आप एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चालू करो, ठीक है। तो ये काम है आईएफसी का। इस बाद आखिरी की दो बॉडीज बनती है, एक है मेगा और एक है आईसीएसआईडी, ठीक है। आप दोनों का फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी लिखा था। देखो मेगा क्या है, देखो अब आप समझ सकते हो, मुकेश अंबानी जब मान लो मुकेश अभी जो हमारा मान लो सीरिया है, ठीक है, सीरिया भी मान लो किसका मेंबर है, हमारे वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, मेंबर ही है। तो अब ये जो आईसी है वो मुकेश अंबानी से बोलेगा कि भैया आप जाके कहां इन्वेस्ट करो, सीरिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप सीरिया में इन्वेस्ट करो। मुकेश अंबानी बोलेगा भैया वहां तो सिविल वॉर चल रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन आईएमएफ तो चाहती है कि वहां पर तेल है और ऑल थिंग्स, तो यहां पर प्रॉफिट तो होगा, मुकेश अंबानी का भी प्रॉफिट होगा और मेरा भी प्रॉफिट का शेयर तो आना ही आना है। तो यहां पर क्या है कि अलग से जब ये सब मतलब डर लग रहा था इन्वेस्टर को, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया मेगा। अब मेगा का क्या काम है, मतलब फॉर एग्जांपल कि यहां पर मान लो अब एक दिन यहां पर शांति हो गई सीरिया में, मतलब सीरिया में सिविल वॉर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहां पर जो गवर्नमेंट आई वो क्या कर रही है कि नेशनलाइजेशन कर रही है बैंक्स का, ठीक है। तो मान लीजिए मुकेश अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मुकेश अंबानी का बैंक खोला था, तो मुकेश अंबानी के बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया, लेकिन हमें तो दैट बैंक जो आईसीए था उसने बोला था आप जाके इन्वेस्टमेंट करो। तो अब यहां पर समझ रहे हो ना कि मतलब जो मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट फंस गया, उसके लिए अलग से मेगा बॉडी बनाई गई है कि अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इन्वेस्टमेंट को हट करेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट को हट करेगा
उस टैब के अगेंस्ट मीगा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मान लो मुकेश अंबानी जैसा जहां पर बोला था कि सीरिया में तो भैया हो सकता है कि वो लोग मेरी जो बैंक था उसका नेशनलाइजेशन करे, तो जो आईएफसी बोलेगी टेंशन मत लो, हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनानी जिसका नाम है मीगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मीगा के पास जाइए, मीगा उन लोगों को जाके समझाएगा आप ऐसा मत करो, आप ऐसा कुछ भी मत करो, ये मतलब हम आपकी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, आप भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर हो तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फाइनली जो इन्वेस्टमेंट है वो बचा रहेगा, मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए मीगा बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखो जो इंडिया है वो आईबीआरडी का मेंबर है, इंडिया किसका मेंबर है, आईडीए का मेंबर है, फिर इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ मीगा, ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आईएफसी, लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसडी। देखो आईसीएसडी क्या है, अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल किसी, दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, अब इसमें कोई डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, कंट्री को लेके या कोई चीज को लेके डिस्प्यूट आ गया, एनवायरमेंटल क्लॉज आ गया, या कंट्री बोले कि नहीं आपको इतना प्रॉफिट नहीं देंगे जितना प्रॉमिस किया था, तो सब समझता है कोई डिस्प्यूट आ गया, अब उसके लिए कोई कोर्ट तो होना चाहिए ना, कि अगर डिस्प्यूट आ गया तो कोई कोर्ट सॉल्व करेगा। तो इन द सेम वे कि आईसीएसडी एक कोर्ट है, ठीक है, इट इज अ कोर्ट जहां पर अगर मान लो कोई डिस्प्यूट आ जाए तो मेंबर कंट्री जाके वहां पर कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि भैया ये लोग ये प्रॉब्लम दैट मीन्स बोल रहे हैं, और अगर आईसीएसआईडी ने बोल दिया मेंबर्स को कि नहीं तुम गलत हो तुम सही हो, तो उन मेंबर्स को ये चीजें माननी पड़ेगी, इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी, तो इसलिए ये वाली बॉडी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरू की जो चार बॉडी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जस्ट बिकॉज कि इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने एक चीज और देखी कि मैंने बोला जब आईडीए से इंडिया को लोन मिल रहा था वो पूरा नेशन के लिए था, लेकिन इंडिया आईबीआरडी का मेंबर कैसे है, देखो इंडिया आईबीआरडी का मेंबर इसलिए जस्ट बिकॉज डिस्ट्रक्शन तो वहां पर भी हो जाए वर्ल्ड वॉर टू का, दैट मीन्स मैं वो नहीं बोल रहा कि मतलब वहां से जापानी सेना आके मार गई थी, ऐसा कुछ नहीं, डिस्ट्रक्शन मतलब मेंटल डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन वो डिस्ट्रक्शन हर टाइप का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी वहां के दैट मीन्स जो ह्यूमंस थे, अब हमारे यहाँ के भी जो ह्यूमंस थे दैट मीन्स लोग थे सैनिक थे वो लड़ने तो गए थे ना बाहर, तो उन सबका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कंसिडर अंडर आईबीआरडी, तो इसलिए हम आईबीआरडी के मेंबर थे, वो बात अलग है कि हमें पैसा नहीं मिलता आईबीआरडी से, हमें लेकिन पैसा आईडीए से तो मिलने लगा ना, इसलिए इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईबीआरडी, ठीक है, याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक, सो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर वर्ल्ड बैंक के ऊपर, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैं तेज तेज क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये फैक्ट बेस्ड है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मतलब कोई भी बंदा कोई चैप्टर छोड़ के जाए अगर उसके पास टाइम कम हो, ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसे कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल जाए, इसलिए मैंने वर्ल्ड बैंक को कंप्लीट किया। फाइनली लास्ट लेक्चर दैट मीन्स इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो रहेगा आईएमएफ के ऊपर, तो आईएमएफ के ऊपर आप देख सकते हैं दैट विल बी अ लेक्चर ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 50 to 20 minutes, सो दैट विल बी अ स्मॉल लेक्चर, अगर आपको नहीं पढ़ना आईएमएफ के बारे में तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर नॉलेज, फाइन, थैंक यू, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर, नॉट लेक्चर नंबर, दैट विल बी अ लेक्चर ऑन आईएमएफ, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।